हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो दोस्तों यार, फाइनली हमारे रियोलो का गुड बाय हो गया है और इसके पास आ गया है अपन सबका प्यारा लुकारियो। और देखने वाली बात ये है कि यार, जब वो इसके पास लुकारियो आया ना, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यार लुकारियो का फादर कौन है। बिकॉज यार, जिस प्रकार लुकारियो की स्टोरी हमको दिखाई जा रही है, उस हिसाब से यार उसी बैक स्टोरी में भी हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। सो आज हम इसके लुकारियो की बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि यार उसका फादर कौन हो सकता है। आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे लुकारियोस को देखा है, उन लुकारियों में से कोई एस के लुकारियो का फादर हो सकता है। सच में एक मस्त सी थ्योरी है ना, उसको सुनने के बाद आप जरूर से बोलोगे जी हाँ यार, यही है एस लुकारियो का फादर। जी दोस्तों, काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। वो थ्योरी सच में अलग ही लेवल की होने वाली है, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। उस थ्योरी को सुनने के बाद आप बोलोगे भाई यार क्या गजब की थ्योरी है, मजा आ गया। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारी इस लुकारियो वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले यार, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक एंड रखते हैं 10K लाइक का, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये बोलती है कि कोयना का ग्रैंडफादर का जो लुकारियो है, वो इस लुकारियो का फादर है। ये इसलिए बोलते हैं लोग, बिकॉज यार कोयना का ग्रैंडफादर का जो लुकारियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका लुकारियो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से यार इनकी जो पर्सनैलिटी है वो लगभग सी थोड़ी सी कहीं ना कहीं सेम हो जाती है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि कोयना का ग्रैंडफादर का जो लुकारियो है ना, वो मेगा एवोल्यूशन में एक्सपर्ट है और हमारा एस का लुकारियो मेगा एवोल्यूशन में एक्सपर्ट नहीं है। इसी वजह से ये जो थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है, इसी वजह से इस थ्योरी में ज़्यादा दम नहीं है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कैमरन का जो लुकारियो है वो एस लुकारियो का फादर है। सो देखो, इसका आंसर साफ साफ मेरी नज़रों में नो है। बिकॉज यार आप लोग ही देखो, कैमरन का जो लुकारियो है ना, वो फ्रेंडली किस्म का बंदा है, वो यार थोड़ा सा जोली टाइप का बंदा है, हमेशा खुश रहता है। बट एस का लुकारियो भी खुश रहता है, पर वो ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करता है। पर्सनैलिटी इनकी बिल्कुल भी सेम नहीं है। और हाँ, बट इनमें एक बात जरूर से इक्वल है कि यार जब कैमरन का लुकारियो रियोलू था, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, मेहनत करता था। उसी प्रकार से यार एस का लुकारियो जो रियोलू था, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, मेहनत करके लुकारियो में इवोल्व हुआ। उसी प्रकार से कैमरन का लुकारियो भी यार मेहनत करके इवोल्व हुआ। और देखा जाए इनकी ये बात बिल्कुल सेम है। इसी वजह से फैंस बोलते हैं कि एस लुकारियो का जो फादर है वो और कोई नहीं, कैमरन का लुकारियो ही है। बट मैं इसको ज़्यादा मानता नहीं, बिकॉज इस थ्योरी में ज़्यादा दम है नहीं। तो यार ये एक थ्योरी और ज़्यादा वायरल होती है, वो उस थ्योरी के हिसाब से पोकेमोन आई चूज मूवी में जो एस का फ्रेंड बन के आया था सोरल, उसके पास भी एक लुकारियो था और वो लुकारियो एस का फादर हो सकता है, ऐसी थ्योरी बोलती है। बिकॉज यार आप ही सोचो, वो लुकारियो हिंट हो सकता था एस लुकारियो का। यानी कि यार वो लुकारियो हमको पहले अल्टरनेट यूनिवर्स में दिख गया था कि यार देखो एस के पास लुकारियो आने वाला है, शायद से वो एक हिंट हो सकता है। और ये हिंट ये भी हो सकता है कि वो जो लुकारियो था वो एस के लुकारियो का फादर भी हो सका है। ये थ्योरी बोलती है, ऐसा थ्योरीज का कहना है। बट अकॉर्डिंग टू मी यार, आप ही सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सोरल जो है वो सेम यूनिवर्स में होता तो हम कह सकते थे कि ये जो है वो एस लुकारियो का फादर हो सकता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोरल का लुकारियो एस लुकारियो का फादर है, बिकॉज दोनों अलग अलग यूनिवर्स के हैं। फिर जो थ्योरी बोलती है वो ये बोलती है कि मेलिनी जो जिम लीडर है, उसका जो लुकारियो है वो एस लुकारियो का फादर है। इसका मेन कारण ये है कि जिम लीडर के लुकारियो को यार ओरा स्पीयर अटैक आता है और एस के लुकारियो को भी ओरा स्पीयर अटैक आता है। दोनों के में ये खासियत है। और दूसरी खासियत दोनों में ये है कि यार इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सेम हो जाती है। और तीसरा कारण ये है कि यार मेलिनी का जो लुकारियो है वो कभी हार नहीं मानता है। और इधर बात की जाए एस के लुकारियो के बारे में, एस का लुकारियो भी कभी हार नहीं मानता है, ऐसा हमने एनिमे सीरीज में देखा है। बिकॉज जब बिया से हारने के बाद रियोलू ने पूरी जी जान लगा दी, उसने ट्रेनिंग की, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। नहीं यार मैच नहीं हो रहा, मैं ये काम नहीं करूँगा, उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। जो कि दिखाता है कि यार लुकारियो का एक रूल है नेवर गिव अप, और यार मेलिनी के लुकारियो का भी ये रूल है नेवर गिव अप। तीनों पॉइंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, यानी कि तीनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाते हैं। और ये भी हो सकता है कि यार मेलिनी का जो लुकारियो है वो एस लुकारियो का फादर हो, और ये काफ़ी अच्छी बात भी होगी, बिकॉज पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सही है। बट यार इस थ्योरी से भी ज़्यादा अमेजिंग थ्योरी आगे आने वाली थ्योरी होने वाली है। बट हाँ, ये थोड़ी अच्छी है। फिर जो थ्योरी बोलती है वो बोलती है कोयना का जो लुकारियो है वो एस लुकारियो का फादर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो थ्योरी है ना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली बात, लुकारियो और कोयना का जो बॉन्ड है ना काफ़ी ज़्यादा है, बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ है, यानी ज़्यादातर टाइम ये एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और उसी प्रकार से एस का जो रियोलू था, उसी प्रकार से एस और लुकारियो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में बिताते हैं, यहाँ तक कि दूसरे पोकेमोन को टाइम लाइन भी नहीं दी जाती है, बिकॉज ऑफ एस एंड लुकारियो। और देखा जाए
एस के लुकारियो को ओरा स्पीयर अटैक आता है और कोयना के लुकारियो को भी ओरा स्पीयर अटैक आता है। और सबसे अच्छी बात, एस का रियोलो जब कोयना के लुकारियो से मिला था ना, उसकी आंखों में एक जुनून था, उसकी आंखों में इतनी चमक थी ना, और यार उसके एक्सप्रेशन से हमको देखने से ऐसा लग रहा था कि यार ये इसका फादर है। बिकॉज यार आप भी सोचो, जब यार लुकारियो हार गया था, जब यार रियोलो रोने लग गया था, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था। यानी कि दोस्तों यार इस थ्योरी का कंक्लूजन निकाले तो यार एस का जो रियोलो था ना, अब तो लुकारियो में वो लोग है, बट जब वो रियोलो था तब यार वो लुकारियो को काफ़ी ज़्यादा मानता था, उसको एडमायर करता था। और एक तरीके से देखा जाए तो यार एस का जो रियोलो था, लुकारियो था, उसका जो फादर है वो कोयना का लुकारियो हो सकता है। बिकॉज यार वो काफ़ी ज़्यादा उसको मानता है और ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती है। बट सबसे बेस्ट थ्योरी अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाने वाले हो। जी हाँ, एस का जो लुकारियो है, उसका जो फादर है वो और कोई नहीं, सर ओरन का लुकारियो है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पहली बात, इनकी जो पर्सनैलिटी है, यानी कि यार सर एरन का लुकारियो और एस के लुकारियो की जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल सेम है, और एस ने दोनों को भी ट्रेन किया हुआ है। यानी कि एस को पता है लुकारियो को कैसे ट्रेन किया जाता है, और इस सच में काफ़ी ज़्यादा सही पॉइंट भी है, बिकॉज एस ने दोनों को कंट्रोल किया हुआ है। और यार तीसरा पॉइंट, एस का जो लुकारियो था और सर एरन का जो लुकारियो था, दोनों ने ओरा स्पीड अटैक यूज़ किया और ओरा कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यार आप ही सोचो, इतने ज़्यादा पॉइंट्स है और क्या चाहिए। जी हाँ, और ये पॉइंट है कि यार एस का जो बॉन्डिंग है ना, दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगला जो पॉइंट ये है कि यार सर एरन का जो लुकारियो है वो काफ़ी ज़्यादा डेसिंग, काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और उसका एटीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। उसी प्रकार से एस के लुकारियो का भी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा सेम है। सो दोस्तों यार सारी थ्योरीज हमने देख ली है, सारी थ्योरीज की एक अलग ही वैल्यू है। कुछ थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा दम था, कुछ थ्योरी में बिल्कुल भी दम नहीं था। तो अब देखते हैं कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठती है एस लुकारियो के फादर के लिए। सो देखो यार, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट थ्योरी जो है वो ओनली दो थ्योरी है। पहली थ्योरी है कोयना लुकारियो वाली, दूसरी थ्योरी है सर एरन के लुकारियो वाली। सो सबसे पहले देखते हैं कोयना वाली क्यों। देखो यार, जिस तरह यार एस का रियोलो कोयना और उसके लुकारियो को देख रहा था, उससे तो हमको ये लगता है कि यार रियोलो का कोई फादर होगा तो वो कोयना का लुकारियो ही हो सकता है। बट यार इस थ्योरी को भी यार सरपास कर देता है सर एरन वाली लुकारियो वाली थ्योरी। बिकॉज यार सर एरन का जो लुकारियो वाली थ्योरी है, उसके तीन तीन कंक्लूजन हमारे सामने आ जाते हैं। पहला कंक्लूजन ये आता है साइड से, ये हो सकता है एस का जो लुकारियो है उसका जो पूर्वज है, यानी कि एंसेस्टर है, वो सर एरन का लुकारियो हो सकता है, या फिर वो उसका रिबर्थ हो सकता है, यानी कि सर एरन का जो लुकारियो था वो मर गया, उसने पुनर्जन्म लिया एस के लुकारियो के फॉर्म में। बिकॉज सर एरन के बाद ऐसी ऐसा ट्रेनर है जो कि लुकारियो को समझ सकता है। सो इसी वजह से ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है, साइड से पुनर्जन्म हो सर एरन के लुकारियो का, जो कि एस लुकारियो के फॉर्म में हम सबके सामने आया है। अगर ये भी सच नहीं है तो ये तो हो सकता है ना कि एस का जो लुकारियो है उसका फादर और कोई नहीं सर एरन का लुकारियो हो। सो यार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एस लुकारियो का कोई फादर होगा तो वो सर एरन का लुकारियो ही होगा। बिकॉज इसके अलावा कोई होगा तो कोयना का लुकारियो हो सकता है, बाकी सारी थ्योरीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। तो दोस्तों यार, मेरे हिसाब से वन एंड ओनली एस लुकारियो का कोई फादर है तो सर एरन का लुकारियो ही होगा। बिकॉज यार ओरा जो है ना इन दोनों में मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है। सो दोस्तों, दैट्स व्हाई मुझे लगता है सर एरन का लुकारियो होगा एस लुकारियो का फादर। सो दोस्तों, आपके हिसाब से एस लुकारियो का फादर कौन हो सकता है, या फिर एंसेस्टर कौन हो सकता है, क्या आपको भी लगता है कि उसका पुनर्जन्म है या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। आपके हिसाब से बेस्ट थ्योरी कौन सी है ये भी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, 10K लाइक का टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पोकेमोन से दो कि कौन सा पोकेमोन है और कौन से टाइप का है। एंड बाय बाय।